नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी देर शाम भ्रमण पर निकले कलेक्टर प्रियंक मिश्रा व पुलिस अधीक्षक मय लाभ, लश्कर संघ शहर में लागू लॉकडाउन का निरीक्षण करने भ्रमण पर निकले, जो शहर के मुख्य मुख्य मार्गो जगहों का मुआयना करते। मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के ठहराव और गाड़ियों से आने वाले यात्रियों संबंधित सुविधाओं की जानकारी उपस्थित विभाग कर्मियों से ठहर कर लिया। कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने मुख्य रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े ऑटो रिक्शा चालकों को बुलाकर समझाइश दिया और सभी को इस महामारी कोरोना संक्रमण से बचने और ऑटो में बैठने वाले यात्रियों को भी बिना मास्क न बैठावे और आवश्यक कार्य पर ही यात्रियों को सुविधा प्रदान करे, सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। मुख्य रेलवे स्टेशन दिलबहार चौराहे पर जिला प्रशासन के सभी आला अधिकारी गणों का जमावड़ा रहा, जो मुस्तैदी के साथ नगर भ्रमण और निरीक्षण में शामिल रहे। संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी, कटनी। सभी यात्रियों लॉकडाउन किया जाए तो उसके लिए क्या नियम बनाया गया, तो कितने लोगों में कार्रवाई की गई है? देखिए, आज आप सभी को पता है कि आज शाम 6 बजे से हम लोग अगले 17 तक लॉकडाउन में रहेंगे। इसमें जो वैधानिक छूट प्रदान की गई है धारा 144 के आदेश में, उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को सड़क पे उतरने की अनुमति नहीं है। जो छूट प्रदान की जा रही है उस छूट में भी वो व्यक्ति उस छूट का सही उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी मैदान पे खड़ा जो इन्फोर्समेंट का व्यक्ति है वो तय करेगा। कोई भी व्यक्ति यदि जो छूट प्राप्त की है उसका दुरुपयोग करने का प्रयास करेगा तो उस पर हम और ज़्यादा कठोर कार्रवाई करेंगे। और ये एक वैश्विक आपदा है, मानवता के प्रति एक बहुत बड़ा एक संक्रमण का समय है। इसमें जो भी व्यक्ति इस लॉकडाउन का उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या इसको विफल करने का प्रयास करेगा, उसको एक अपराधी की भांति हम उसको ट्रेस करेंगे। लगातार हम लोग सख्ती बरत रहे हैं, सख्ती बरती जाएगी। अस्थाई जेलें बनाई गई हैं, जेल वाहन भी रखे गए हैं। अभी कुछ लोग जो अनावश्यक यहाँ वहाँ घूम रहे थे, सबको पता था कि 6 बजे से लॉकडाउन है, उसके बाद भी अनावश्यक लोग घूमते मिले हैं और कोई वाजिब कारण वो नहीं बता पाए हैं। ऐसे लोगों को हम लोगों ने जेल वाहन में बिठाकर अस्थाई जेल की ओर भेजा है। लगातार हम जब सारे मुख्य चौराहों पे पूरे शहर में इस प्रकार के जेल वाहन रखेंगे, जो भी अनावश्यक घूमता देखेगा उसको जेल वाहन में बिठाकर जेल भेजेंगे, साथ में यदि आवश्यकता पड़ी तो उसके ऊपर जेल वाहन करेंगे। जैसे कि सर, बिना वजह के जो लोग घूम भाग रहे हैं उनके पास कोई कार्ड नहीं है, उनकी कैसे जांच की जाएगी कि जो वजह बता रहे हो सही है उनकी वजह से उनको पनिश किया जाएगा? यदि कोई उनके पास वाजिब कारण नहीं है तो उनको जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जिसके पास कागज़ नहीं है लेकिन वो व्यक्ति कहीं दवाई लेने जा रहा है या कुछ भी है, तो उसके हम परीक्षण करेंगे, जहाँ से चिकित्सक को दिखाया है कि नहीं दिखाया, इस प्रकार के हम अपना स्वविवेक यूज़ करते हुए उसमें निर्णय लेंगे। लेकिन मानवता की दृष्टि से निश्चित रूप से उसका विवेक का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो भी व्यक्ति इस जो छूट प्रदान की गई है इसका दुरुपयोग करने का प्रयास करेगा, वो हमारी पहली चुनौती है और उसको हम बहुत ही सख्ती से निपटेंगे। ठीक।